तो होप बहुत ही अच्छा होगा। मैं हूँ मजीद कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एकेजी सपोर्ट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे लाइव प्रूफ का वीवो बी 27 में आप जो भी टेक्स्ट है यानी कि आपका टेक्स्ट हो गया या भी कोई सा भी टेक्स्ट है उससे आप बोल्ड कैसे कर सकते हो, जो कि एडवांस फीचर सिर्फ इसमें दी हुई है कि अपना जो टेक्स्ट जैसे कि टेक्स्ट स्टाइल अब यहाँ पे आपको चेंज करना है या फिर यहाँ पे आपको फॉन्ट जो कि होता है उसका स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इनके मोटा कैसे कर सकते हैं, लिखे हुए अक्षर को आप जैसे हिंदी भाषा में समझे तो यहाँ पे लिखे हुए अक्षर को आप मोटा कैसे कहते हैं, जो कि इंग्लिश में आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप वीवो बी 27 में आप टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जहाँ से आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं मेरे राइट साइड में आपको मेरे राइट साइड में फोन डिस्प्ले दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स पे चले जाने होंगे। चलिए मैं सेटिंग्स पे आ जाने होंगे। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ से क्या करना होगा, तो सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट ब्लूटूथ साइज उसका यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना, नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फोन का फॉन्ट एस डिस्प्ले साइज आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे फॉन्ट एस डिस्प्ले साइज पर आपको क्लिक करना होगा। फॉन्ट और डिस्प्ले साइज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे फर्स्ट में फॉन्ट साइज मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले साइज मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको बोल्ड टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। बोल्ड टेक्स्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितना बोल्ड होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे चलिए मैं टेक्स्ट को यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इतना जूम कर लेता हूँ। और इतना जूम करने के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज आप रखना चाहते हो तो यहाँ से स्टैंडर्ड साइज आप रख सकते हैं। चलिए मैं स्टैंडर्ड साइज रखता हूँ और उसका यहाँ पे आपको चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ चेंज करनी है तो यहाँ से आपको यहाँ पे हाई कॉन्टैक्ट आपको टेक्स्ट दिख रहा हो तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको बैक आ जानी होगी और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मेरा यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कलर का यहाँ पे देखिए जो कि टेक्स्ट था वो बोल्ड हो गया। उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे वाइट में हल्का यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे शेडो होता है वो हल्का यहाँ पे ब्लू व्हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से करके आप यहाँ से अपने जो कि फ़ोन को बोल्ड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ऊपर देखने को अच्छी प्रीमियर मिल रही है क्योंकि आपका फ़ोन है वो बोल्ड भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे साइडों भी देखने को मिल रहा होगा। कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉरी एक के जी सपोर्ट पर।